नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं आपके साथ निशी भाटिया। आज हम मौजूद है उत्तराखंड की राजधानी के मशहूर बाजार पलटन बाजार में, जहां लगातार 14 फरवरी को मतदान की प्रक्रिया को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जी हां, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो या फिर किसी भी माध्यम से, यहाँ पर लगातार जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और आज हम यहाँ लोगों से बातचीत करने भी पहुँचे हैं, और खासकर जो बजट कल एक वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण द्वारा एक बजट की पेशी हुई है, उसको लेकर भी जो मतदान की प्रक्रिया होने वाली थी उसमें काफ़ी हद तक जो लोगों ने एक प्लान बनाया हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका है। जो बीजेपी के सपोर्टर थे, अगर उन्हें लगता है कि उनके लिए कायदे का नहीं बना बजट, तो वो कांग्रेस की ओर भी जा रहे हैं, कांग्रेस से बीजेपी। तो ये जो वोट देने का उनका एक दृश्य था वो काफ़ी हद तक बदल चुका है इस बजट के पेशी के बाद। तो अब हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे राजधानी में किस तरीके का माहौल बना हुआ है। तो हम आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो लगातार मतदान की प्रक्रिया को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे साथ जो यहाँ लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो चुकी है जागरूकता को लेकर। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मतदान की प्रक्रिया को लेकर आपका क्या है निर्णय, कौन सी पार्टी सत्ता में आ सकती है, कौन सी नहीं? अब हम तो क्या बोल सकते हैं मैडम, कोई भी पार्टी आ जाए वोट तो देने, किसको बोले। बजट पर आप क्या कहेंगे कि बजट कैसा, बजट की अच्छा नहीं? हम तो एक फौजी आदमी है, कोई इनकम टैक्स में रिटर्न में कोई फायदा हुआ ही नहीं। तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगा बजट? अच्छा नहीं लगा। चीज जो आपको सबसे ज्यादा खाई होगी पेशी में जो बजट की, वो चीज होनी चाहिए थी? पढ़ा तो नहीं मैडम, लेकिन मैं एक आर्मी हूँ, हम तो रिटर्न भरते, पैसा देना पड़ता गवर्नमेंट को, ये कम होनी चाहिए था, लेकिन इस बार किया नहीं। 80+ वाले को किया नहीं, लोग ने करना चाहिए इन लोग को। कहीं ना कहीं जो भाजपा 60 पार की बात कर रही थी, और भी कई नारे जो देखने को नहीं मिले, पर आपका क्या कहना है? नहीं नहीं देखो, मैं तो वैसे मैं तो कांग्रेस हूँ पहले पैदाइश है नहीं मैडम, अब किस पार्टी को वोट दूंगा वो तो टाइम बताएगा मैडम। चलिए, और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का माहौल बना हुआ है। हमारे साथ यहाँ युवा भी मौजूद हैं और भी कई सारे, यहाँ पर आप देख सकते हैं भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी सर, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस बार सत्ता में आ सकती है? मैम, कांग्रेस। कांग्रेस? कांग्रेस क्यों? कांग्रेस बढ़िया काम करती है, बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया। बहुत ही बेरोजगारी है, बहुत ही बुरा हाल है, तेल पेट्रोल कितना महंगा है आप जानते ही है, बहुत महंगा ही है। बजट पर आप क्या कहेंगे, कल जो बजट आया? बजट का मैम मुझे नहीं पता कल ना। अच्छा, हाँ। तो आपने बजट नहीं पढ़ा? नहीं नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। तो आपने सुना तो होगा कुछ कुछ की बजट में, आपको क्या लगता है फिर भी जो कहा सुनी हुई है बजट को लेकर, आपको क्या लगता है उस बजट से काफी हद तक लोगों का जो निर्णय था मतदान का वो बदला है या नहीं? नहीं मैम, कोई नहीं बदलेगा, यहाँ पे तो कांग्रेस ही चलेगी अब ना। हाँ, कांग्रेस सरकार। आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी सत्ता? यार बीजेपी चाहिए, लेकिन पता नहीं यहाँ का, कि मैं प्रॉपरली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ वैसे। तो बजट पेशी पर आप क्या हिसाब से देखते हुए बीजेपी आनी चाहिए? कल का बजट देखा, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मतलब किसानों के लिए और देरी बजट, और गरीबों के लिए उन्होंने कम से कम 60 लाख लोगों के लिए मकान दे रही है। अच्छा। तो उसे देखते हुए बीजेपी आनी चाहिए। क्या बुरी चीज़ लगी आपको बजट में? बजट में वैसा कुछ नहीं है ज़्यादा, बजट में बुरी चीज़ कुछ नहीं है ज़्यादा, लोगों के लिए अच्छी चीज़ है, किसानों के लिए भी है और गरीब आम जनता के लिए भी है। तो देखते हुए मैं वैसे बीजेपी का सपोर्टर हूँ और बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, तो बीजेपी के सपोर्टर यहाँ पर हमें मिल चुके हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कौन बजट को लेकर आपकी क्या राय है? किस पर देख के? बजट को लेकर आपका क्या राय? बजट तो बहुत ही खराब चल रहा है। बहुत खराब था। क्यों बहुत खराब? बहुत खराब इसलिए है कि जो पहले से नहीं है, जैसे आर्मी वालों का 1 रैंक 1 पेंशन का है, तो उसमें जो है 2014 से अभी तक मिला नहीं है हम लोगों को, तो वो बजट तो बिल्कुल ख़राब है। और दूसरे में ये है कि डीए वगैरह भी अभी तक नहीं बढ़ाया है, पिछले बार का जो डीए था वो भी नहीं मिला है। महंगाई बहुत ज़्यादा चल रही है, महंगाई तो आपको महंगाई के बारे में कुछ नहीं पता है। और आपको क्या लगा कि कुछ बजट में अच्छा था या फिर सब बुरा था? मेरी तरफ से तो कुछ भी अच्छा नहीं था। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट तो करते हैं बीजेपी को। बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों बीजेपी? बीजेपी क्यों? बीजेपी ने ऐसे पहले से तो अच्छा किया है जो कि पेंशन के बारे में। पर आप कहीं ना कहीं बीजेपी के जो अभी बजट पेशी हुई है, केंद्र ने जो बजट पेश किया है उसको लेकर आपकी नाराजगी खासा नजर आ रही है, बट आप कह रहे हैं बीजेपी को वोट? पहले अच्छा किया है,
पहले वेतन बढ़ाई है लोगों को, अब जो वृद्ध पेंशन दी है वो अच्छी दी है, उसकी सर्विसिंग ठीक है कि, और अभी भी कुछ औरों को बढ़ा रहे, तो कुछ कुछ चीज़ें अच्छी है। पर ये है कि जो अभी का जो कल जो बताया था, अभी मैंने देखा नहीं, अभी आज 11 बजे होना था वो मैंने देखा नहीं है, पर कल शाम को मैंने देखा था तो उसमें इतना अच्छा नहीं है। तो हम और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है बजट में। सर, बजट की पेशी के बाद आपका क्या रिएक्शन रहा? बजट तो बहुत बढ़िया है, देश हित में जो डिफेंस के लिए उन्होंने किया है, हर साल बढ़ता ही जा रहा है और देश हित के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो देश के प्रति जो एक कर्तव्य है गवर्नमेंट का, वो बहुत बढ़िया बात है, और उसमें इन्होंने इजाफा किया बजट में, बहुत अच्छी बात है। और पिछले 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ कि देश तरक्की कर रहा है, हम किसी भी क्षेत्र में देखें सब जगह प्रोग्रेस है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ प्रोग्रेस ना हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो या देश के लिए हो, किसी भी सेक्टर के लिए, सभी सेक्टर में प्रोग्रेस हुई है। और इस समय पूरी दुनिया में सब जगह मंदी का दौर है, हिंदुस्तान अब भी तरक्की कर रहा है और इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है इस समय। तो आप कहीं ना कहीं बीजेपी के वोटर नजर आ रहे हैं, बीजेपी का साथ दे रहे हैं? बीजेपी का कोई साथ नहीं है, कांग्रेस ने अपने टाइम पे काम किया था, लेकिन अभी जो बीजेपी ने किया है, जो उन्होंने 10 साल में किया, उन्होंने 1 साल में किया है, काम दोनों ने किया है, लेकिन बीजेपी ने बहुत स्पीड से किया है काम। तो ये आपको क्या लगता है कि जो बजट की पेशी हुई है उसमें से कोई एक चीज आपको जो लगी हो कि वो होनी चाहिए थी पर नहीं हुई? इसमें ये कहूँगा कि जो जैसे रोडों का बहुत तेज विस्तार हुआ है, इसी तरह इंडस्ट्री में भी थोड़ा तेजी आए कि प्रोडक्शन बढ़े, और नई नई कंपनीज जो आ रही हैं उनका फटाफट काम हो, मतलब जो टाइम लगता है ना कि 1 साल रजिस्ट्रेशन में टाइम लग रहा है या 1.5 साल लग रहा है, वो एक दो महीने के अंदर फटाफट हो जाए, तो उससे प्रोग्रेस तो जल्दी होगी फिर, क्योंकि अभी टाइम कंज्यूम होता है ज़्यादा, इन जो कानूनी प्रक्रिया होती है इसमें टाइम बहुत लगता है, तो फटाफट हो कम से कम। तो अब मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगी, सर आपको क्या लगता है बजट पेशी में आपका क्या रिएक्शन रहा, बजट जो आया है? उसमें सब बढ़िया ही है, ऐसा कुछ नहीं है, पर देखो देश में जो ये राजनीति पार्टी है, ये अपना मतलब कहीं भी अपना हुनर दिखा रही है, ठीक है, ये सारे जितने भी राजनीति पार्टी है सारे बरसाती मेंढक है, ये अभी आ रहे हैं 2-4 दिन के लिए आ रहे हैं, 2-4 दिन अपनी दारू मुर्गा खिला रहे हैं, बाद बाकी कुछ फ़ायदा नहीं है, पब्लिक रो रही है, आपको पता ही है कि लॉकडाउन से लोगों का कितना नुकसान हुआ है, अभी देखोगे आप 14 तारीख को इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद लॉकडाउन कर देंगे, जनता फिर भूख से मरेगी। मैम, मैं बजट के बारे में यही कहूँगा कि बजट काफ़ी नफा तुला रहा, और इसमें लॉन्ग टर्म विज़न गवर्नमेंट ने लिया है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये पूरी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा जी। तो इसके अलावा आपको क्या ऐसी चीज़ लगी जो बजट में अभी भी अधूरी है, करनी चाहिए थी सरकार को? इनकम टैक्स के स्लैब में थोड़ा सा अभी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो 80C का जो उन्होंने 1.5 लाख का जो अभी तक किया हुआ है, इसको थोड़ा सा एनहांस करने की ज़रूरत मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए, साथ ही थोड़ा सा स्लैब को भी थोड़ा सा ज़्यादा कर देना चाहिए, क्योंकि 5 लाख आज की डेट में बहुत ही एक कॉमन सी मतलब अमाउंट रह गई है, तो मुझे लगता है कि इसे भी थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसके अलावा आप किस पार्टी को इस बार जिताने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सी पार्टी चाहते हैं आप सत्ता में आए? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो मोदी फैक्टर काम कर रहा है, और इस गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ डेवलपमेंट के तौर पे देखे हैं तो बहुत अच्छा इकोनॉमी के लिए किया है, साथ ही साथ मुझे लगता है कि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट का जो एक आगे का जो विजन है वो एक मॉडर्न इंडिया की तरफ लेके जा रही है, डिजिटल इंडिया की तरफ लेके जाने की है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट के बहुत अच्छे चांस हैं। अच्छा, तो बीजेपी के चांसेस आपको लग रहे हैं पूरे पूरे? जी मैम जी। और यही सवाल मैं आपसे भी कर देती हूँ कि अब जो सत्ता की भागदौड़ चल रही है उसमें काफी ज्यादा वो चल रहा है कि बरसाती मेंढक और काफी बयानबाजी चल रही है, पर आपके हिसाब से कौन सी पार्टी है सबसे बेस्ट? बीजेपी है। बीजेपी क्यों? क्योंकि हर काम बीजेपी ने वो कर दिखाया है, क्योंकि जैसे उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, और इधर सेंटर में जैसे बीजेपी की सरकार है, तो इसमें मोदी जी है, बेस्ट मोदी जी है। अच्छा। एंड बीजेपी। और बजट पर आप क्या कहेंगे कि बजट की पेशी जब हुई तो आपको एक बात ऐसी कौन सी थी जो सबसे अच्छी लगी और कौन सी सबसे बुरी लगी? बजट की बात रही तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि देश आगे बढ़ रहा है,
क्योंकि अगर इसी तरह से चलते जाएंगे तो देश आगे तो बढ़ेगा ही। और बात रही बीजेपी की, जैसी चल रही है सरकार बीजेपी की, एक बार फिर आनी चाहिए, क्योंकि काम वो हो रहे हैं जो आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं था। आप ये लगा लो, नोटबंदी हुई, मतलब किसी ने एक बार सोचा था कि नोटबंदी होगी कि हम करवाएंगे, पर किसी ने किया नहीं, लेकिन बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने ये कर दिखाया। तो वो अच्छा था कि नहीं अच्छा था? नोटबंदी की बात आपने करी, पर काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि जब से मोदी सरकार ने नोटबंदी कराई है उसके बाद से सबके काम जो है ठप पड़ चुके हैं। वो तो ऐसा है ना, क्योंकि मैम, क्योंकि अगर तो नोटबंदी नहीं करे कितना काला धन वो बाहर निकला, अगर नोटबंदी नहीं करते वो काला धन कुछ नहीं बाहर निकलने वाला था। आपको लग रहा है ये मोदी जी का ये बेस्ट डिसीजन था? यस, मोदी जी का ये बेस्ट डिसीजन था। आप इस बार बीजेपी को जिताने वाले? यस जी। तो जैसा कि हमने इनसे बातचीत करी और आखिर में जो निर्णय निकल कर आया है कि बीजेपी काम अच्छा कर रही है, बजट की पेशी में काफ़ी हद तक जो टैक्स स्लैब की बात कही गई थी उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, बाकी किसानों को लेकर और जो फौजी और सैनिकों के लिए जो कही गई थी बात, उस चीज़ पे भी अभी सैनिकों की खासी नाराजगी हमें देखने को मिली। इसके साथ ही वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ मैं निशी भाटिया, नमस्कार।